हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट। जनरली इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट के दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज प्राइमरी की एंड सेकंड वन इज फॉरेन की। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो वीडियो पहले आप देख लेना, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। देखते हैं अब बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट। फॉर द पर्पस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ डेटा सम ऑफ द रूल मस्ट बी इंप्लीमेंटेड, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट। यानी कि अगर आपको अपने डेटाबेस में डेटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है, अपना जो डेटा है उसे कंटिन्यूअस फॉर्म में डालना है, तो आप उसके लिए कंस्ट्रेंट लगाओगे, तो उसे बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईएमपी नंबर फील्ड स्टार्ट विथ कैरेक्टर एंड देन थ्री डिजिट आर देयर, दैट इज M123। सपोज आपने एक टेबल क्रिएट किया है, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर नाम का, और उसमें आप अपने रिलेटेड कुछ डेटा यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा उसमें डालना चाहते हो, और वो फिक्स फॉर्मेट होता है। यानी कि आप जब भी कोई भी यूजर उसमें वैल्यू ऐड करे तो कंपलसरी उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर हो वो कैरेक्टर होना चाहिए, और बाकी के तीन कैरेक्टर हो वो क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, यानी कि M123। इसके अलावा जो कोई भी वैल्यू डाली जाएगी तो डेटाबेस में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, तो उसे बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट भी कहा जाता है, कुछ इस तरह से। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सपोज कोई एक फर्म है, ठीक है, कोई एक आईटी फील्ड है, आईटी फील्ड में अपना बिजनेस है, तो वो वैकेंट पोस्ट के लिए हायरिंग करता है, तो हायरिंग के लिए वो क्या करता है, एक फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑनलाइन वो पुट करता है। लेकिन उसमें क्या है कि एक कंडीशन रखता है, वो कंडीशन ऐसी है कि अगर पर्टिकुलर सिटी है, यानी दो सिटी है, दिल्ली एंड हरियाणा, वो दिल्ली एंड हरियाणा में से कोई अप्लाई करता है तो वो फॉर्म उसे एक्सेप्ट करेगा। अगर दिल्ली और हरियाणा दोनों के सिवाय कोई भी यूजर उसमें डालेगा, कोई भी दूसरा सिटी नेम, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो उसे भी बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट बोला जाता है। बिजनेस रूल कैन बी इंप्लीमेंटेड थ्रू चेक कंस्ट्रेंट। तो अब हमें क्वेश्चन ये होता है कि मैंने तो अभी आपको एग्जाम्पल दे दिया कि ईएमपी नंबर में पहला कैरेक्टर आना चाहिए, उसके बाद में थ्री डिजिट आना चाहिए, लेकिन वो इंप्लीमेंट किस तरह से होगा, किसका यूज करके उसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो बिजनेस रूल को आपको इंप्लीमेंट करना है तो चेक कंस्ट्रेंट का यूज होता है, ठीक है। चेक कंस्ट्रेंट क्या है तो उसका एक मैं पूरा वीडियो प्रैक्टिकल बनाऊंगा और उसके साथ थियरी भी थोड़ा बहुत होगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आ सके। आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।